फ्रूटी आई है, एक स्पून आया है, फिर एक सॉस आई है केचप, और फिर पूरा लंच खा लिया और मेरे को बहुत ही ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सब लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ भोपाल। तो गाइस अब मैं पूरे 3 इयर्स के बाद अब ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ। हम भोपाल जब जाएंगे गाड़ी से बिल्कुल ट्रैवल नहीं करेंगे, हम ट्रेन से ही जाएंगे। और जैसे मैं उधर अपनी कुछ चीज़ें ला रहा हूँ, जैसे बुक्स वगैरह, ऐसी चीज़ें जहाँ पर मैं उधर टाइम पास कर सकता हूँ, तो मैं आपको दिखाता रहूंगा कि हम कहाँ कैसे ट्रेन में ट्रैवल करेंगे और फिर कहाँ कहाँ जाएंगे। तो बने रहे वीडियो के अंदर और देखते रहे कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे। तो गाइस अभी हम ट्रेन स्टेशन आ चुके हैं और हमारी ट्रेन है शताब्दी। तो आप पूरा ट्रेन स्टेशन देख लीजिए। तो अभी मैं आपको सीधा मिलता हूँ ट्रेन के अंदर। गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है, देखिए। तो चलिए चढ़ते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ट्रेन के अंदर। तो ये देखिए ऐसे व्यू दिखेगा जब ट्रेन चलेगी, 6 o'clock चलेगी। तो मैंने कुछ कॉमिक्स यहाँ पे ख़रीद लिए, वो उनको पढ़ लूँगा मैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और फिर मैं आपको दिखाता रहूँगा ऐसे कैसा व्यू आएगा और एट्सेट्रा। तो गाइस अब हम ट्रेन में हैं, तो अभी पूरे 8 hours लगेंगे हमें यहाँ से जाने में। तो अभी 6 o'clock शुरू होगी, तो तब तक मैं आपको दिखाते रहूँगा क्या व्यू आ रहा है। कुछ कॉमिक्स भी लिए मैंने यहाँ पढ़ने के लिए, और मम्मा के पास भी थोड़ी बुक्स पड़ी हुई है, तो वो भी मैं पढ़ लूँगा और फिर मज़ा आएगा। तो गाइस शताब्दी में फूड भी सर्व होता है, तो मैं वो भी आपको दिखाते रहूँगा, उसका रिव्यू दिखाते रहूँगा। और ये यहाँ पे हम खा सकते हैं, ऐसे खुलता है और यहाँ पे खा सकते हैं ऐसे, और इसको बंद भी कर सकते हैं। फिर गाइस ट्रेन चल चुकी है, आप देख सकते हैं, ये देखिए हिल रही है, मज़ा आ रहा है। तो आप पूरा जब व्यू आएगा दिखा देंगे हम आपको, टेंशन मत लो। तो गाइस अभी कुछ खाने के लिए आ चुका है हमारे लिए। तो यहाँ पे अभी थोड़ी ठंड है, तो ये चाय है, तो मैं थोड़ी सी टेस्ट करूँगा। यहाँ पे बिस्किट्स है, बिस्किट दिए, और हमने रेलवे स्टेशन से सैंडविचेस ले लिए थे, तो हम वो भी साथ में खा लेंगे। अभी ब्रेकफास्ट में टाइम है, तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बता दूँगी खाना कैसा है। तो गाइस अभी मैं खा रहा हूँ ये सैंडविच, बहुत ही अच्छा है, टेस्टी था सैंडविच। और चाय इधर हमें खुद बनानी थी, तो पापा ने बना दी थी, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स थे। तो अभी फिर मैं खा के फिर आपको मिलूँगा। तो गाइस वो जो चाय वगैरह बिस्किट्स आए थे वो तो मैंने खा लिए। तो अभी मैं कॉमिक रीड कर रहा हूँ। और चाय जो थी वो थोड़ी न्यू थी, अलग थी। मैंने वैसे तो डिफरेंट चाय पिए, लेकिन ये थोड़ी न्यू चाय थी, तो मैं इसको बुरा भी नहीं कहना चाहूँगा, अच्छा भी नहीं कहना चाहूँगा, ठीक ठीक चाय थी। तो अभी मैं कॉमिक पढ़ रहा हूँ, तो अभी मैं अपना कॉमिक में टाइम स्पेंड करूँगा। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। तो ब्रेकफास्ट में आया है ये एक वो आ चुके फ्रूटी आई है, एक स्पून आया है, फिर एक सॉस आई है केचप, और फिर बटर आया है, उसके साथ ब्राउन ब्रेड आई है। ब्राउन ब्रेड आप बटर के साथ खा सकते हो। फिर इसको पीने के लिए पाइप आया, और फिर कटलेट्स आया। कटलेट्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। गाइस ये कटलेट के साथ ही थोड़ी वेजिटेबल जैसे पीज है, कैरेट वगैरह है, तो वो हमें हेल्दी भी बनाएगा।
अभी हम ये ब्रेड, हम एक मैं बटर के साथ खाऊंगा एक ब्रेड, और एक एक कटलेट को पीस करके उसके उसके अंदर डाल के खाऊंगा ब्रेड के साथ, टेस्टी लगेगा। तो गाइस यहाँ पे 35 रुपीस की रबड़ी भी आ रही थी, ये देखिए, तो ये भी मैं खाऊंगा जब पूरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अभी मैंने लगा दिए बटर के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स, तो ये है बटर वाली ब्रेड और ये कटलेट वाली ब्रेड। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। साथ में फ्रूटी भी पीऊंगा, मजा आएगा। कटलेट भी टेस्ट करके बता रहे तुम। गाइस ये है रबड़ी, ये देखिए। चलिए अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। गाइस अभी आप पे जो ब्रेकफास्ट आया था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मेरे को खा के उधर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी था, मज़ा आ गया था खा के। सब कुछ अच्छे से लाया गया था, मेरी बिल्कुल फेवरेट तरीके से लाया हुआ था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जो आ सकता था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था खा के। अगर आप भी यहाँ पे आते हो तो आप, अगर आपको ये मिलेगा तो आप एक्सपेक्ट करने की बहुत ही अच्छा होगा। लंच आ चुका है, तो लंच के अंदर है दाल, उसके बाद है कोई पनीर की डिश है, उसके बाद राइस है, ये रोटी है, इसके अंदर अचार है और ये दही है। चलो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। एक हैंड सैनिटाइजर भी है, आपके पास सैनिटाइजर नहीं हो तो आप इससे कर सकते हैं सैनिटाइज। गाइस ये दाल है, ये पनीर है और ये राइस है, दही है, पराठे आए हैं ये, और मीठा भी बाद में आएगा। खा के आपको बताता हूँ कि कैसा लगता है। तो गाइस अभी मैंने पूरा लंच खा लिया और मेरे को बहुत ही, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। पनीर थोड़ा स्पाइसी था लेकिन ठीक था, फिर दाल भी अच्छी थी और दही वही सब कुछ अच्छे से अरेंज करके दिया हुआ था, खा के अच्छा लगा, मज़ा आया। तो आप भी एक बारी ज़रूर शताब्दी को विज़िट करना, अगर आप कहीं ऐसे दूर जगह जा रहे हो तो। अच्छा, पूरे अच्छे से ट्रीट किया गया है यहाँ पे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो यही है मेरा रिव्यू। हमारी स्वीट डिश आ चुकी है, वनीला फ्लेवर्ड आइसक्रीम, ये देखिए मटर टेरी की है। अभी थोड़ी ठंडी है तो थोड़ी जब नॉर्मल हो जाएगी तो मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगा। गाइस अब मैं आइसक्रीम खाने वाला हूँ, तो चलिए मैं आपको अब टेस्ट बताता हूँ। तो गाइस आज तो मज़े आ गए, सुबह मैंने चॉकलेट खाई, उसके बाद मेरे को ब्रेकफास्ट मिला और उसमें भी चाय थी, और उसके बाद मेरे को लंच मिला और अब आइसक्रीम मिल रही है, और अब सोचो होटल में क्या क्या खाऊंगा मैं, आज तो मज़ा ही आ गया। तो गाइस अभी हम भोपाल पहुंच चुके हैं और अभी हम बोटिंग करने आए हैं, बोट क्लब। आप पीछे लेक देख सकते हैं।